शिव तत्व को बर्दाश्त नहीं। तो फिर एक ही तरीका है महाराज। कौन सा तरीका? आप मुझे रूबरू नहीं, मेरे अक्स, मेरे प्रतिबिंब को देखिए, ताकि मैं प्रकोप से भी बच जाऊं और आपके हुक्म की नाफरमानी से भी। तुम रक्स क्यों नहीं कर रही हो? महाराज, मैं माफी चाहती हूँ। बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से मुझे अपने नृत्य की लय और संगीत के सुर में हमें नजर आ रही हैं। महाराज, आप जैसे कलापार्की के शान में मैं गलत प्रदर्शन करूं, ये गुस्ताखी और जुर्रत मैं नहीं कर सकती। लेकिन शिव तत्व की महफिलें और शामें सुनी नहीं मिल सकती। महाराज, मेरी कला में जोश खरोश और आपकी शाम मदहोश ना हो तो आपके हक में प्रदर्शन करना मुझे गवारा नहीं। इसलिए महाराज, महफिल बरकरार रखने के लिए मुझे कल तक की मोहलत दी जाए। कल तक की मोहलत? मतलब? मतलब यही महाराज, मैं अपनी जिंदगी की वो बेमिसाल पेशकश आपके सामने पेश करूं, चन्नौगढ़ की मशहूर महफिल को भी बेदखल कर, चुनारगढ़ की इस महफिल में मेरी कला बुलंदियों को छूकर, चुनारगढ़ के इतिहास में मेरा नाम दर्ज करा के नौगढ़ की उस महफिल को कोसों दूर रखे। चुनारगढ़ के सामने नौगढ़ की औकात और बिसाती क्या है? चुनारगढ़ कभी तोयम नहीं ले सकता। शिवदत्त को कल तक की मोहलत मंजूर है और ये महफिल कल तक के लिए मनसूख की जाती है। और कुछ? महफिल मनसूख करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, लेकिन कल की महफिल को शानदार बनाने के लिए मुझे उसमें कमी खल रही है। कौन सी कमी? नौगढ़ की उस मशहूर महफिल में एक साजिंदा था तेज सिंह, वो घुंघरू तरंग बजाया करता था। उस सास को बजाकर जो समा उसने बांधा था, उसके क्या कहने। अगर उसकी संगत हमारी इस महफिल में हो जाती तो हमारी इस महफिल को चार चांद लग जाते महाराज। क्या नाम बताया उस साजिंदे का? नौगढ़ का मशहूर यार तेज सिंह। नौगढ़ का यार तेज सिंह, वो तो शर्तक के कैद में है। क्या वो घुंघरू तरंग बजाता है? बहुत शानदार बजाता है महाराज, लेकिन उसमें एक कमी है। वो दिमाग का सिर चढ़ा और गुस्से का नक चढ़ा है। पता नहीं वो इस महफिल में बजाना पसंद करेगा या नहीं। उसकी क्या मजाल की वो शिव तत्व को इनकार कर सके? चंपा, तुमने शिव तत्व को एक बेमिसाल कौड़ी,
उसके हाथ में दे दी। अब शिवदत्त उस नामी अय्यारदीप सिंह को एक दो कौड़ी का सरमुंडा बनाकर उसके गरूर को चकनाचूर कर देगा। महाराज, मैं भी क्यों बर्खास्त कर दूं? इसी तरह कि शिवदत्त उस मखरूर देव सिंह को सबक सिखा सके। उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा यार होने का जो घमंड है उसके पर कच्छे उड़ा सके। कल रंभा महफिल में नाचेगी और तेज सिंह एक हकीर साजिंदे की तरह शरकत और संकट करेगा। इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तेज सिंह। और मैं तेज सिंह की बेइज्जती से ज्यादा रंभा की नाच में नौगढ़ की जिल्लत का पहलू और जुड़ जाएगा। मौत की ये रात तो तूने पार कर ली रंभा, लेकिन गीत और संगीत को अधूरा छोड़ दिया। इसके पीछे जरूर तेरी कोई चाल है, क्योंकि तूने तेज सिंह को भी अपनी महफिल में शामिल कर लिया। आखिर क्या रिश्ता हो सकता है तेज सिंह और रंभा के बीच? पंडित जी, उस नर्तकी पर मेरा शक बेबुनियाद नहीं था। कोई सबूत बदरी? ये रहा सबूत। उसी नर्तकी की तस्वीर है? हाँ, और ये सुराग मुझे बंदी गृह से हासिल हुआ है। तो क्या अनुमान है तुम्हारा? वो नर्तकी इस बात को मंजूर करने के लिए राजी नहीं है कि उसका तेज सिंह के साथ कोई जज्बाती रिश्ता है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ इन दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। उसका चुनाव कराने का एक ही मकसद है, वो है तेज सिंह की रिहाई। ये बात तुम यकीन के साथ कह सकते? यकीन नहीं पंडित जी, दावे के साथ कह सकता। तब तो इस नर्तकी पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखनी होगी। उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है, लेकिन मुझे एक शुभ और है। ये नर्तकी बल्लभगढ़ से ही नहीं, इसका ताल्लुक विजयगढ़ से भी है। ये नर्तकी बल्लभगढ़ से है या विजयगढ़ से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नृत्य तो इसे करना ही पड़ेगा, नृत्य करने से बच नहीं सकती, और तब इसकी मौत भी तयशुदा है। बद्री, चुनारगढ़ का वो मसला जिसे लेकर तुम चिंतित हो, इस नर्तकी की मौत से वो तो हल हो जाएगा, यानी कि तेज सिंह की रिहाई, जो इसका मकसद भी है। लेकिन लेकिन क्या पंडित जी? इस नर्तकी की मौत की काली छाया चुनारगढ़ की महारानी को अपने शिकंजे में जकड़ लेगी। हां बद्री, बल्लभगढ़ की नर्तकियों के लिए महाराज की नफरत और उनकी वासना, उनकी नफरत और उनकी वासना से जो खून बहेगा उसे एक ऐसा सलसला उठेगा जिससे महाराज और महारानी के बीच हर खूबसूरत भावना, हर वो सुख जो महारानी को अभी अभी नसीब हुआ है, उनका आपसी रिश्ता सब निस्तरपूज हो जाएंगे। पंडित जी, इस नर्तकी के नृत्य को रोकना बहुत जरूरी है। ये मुमकिन नहीं है मित्र। महाराज की जिद है कि नृत्य हो, और किसी की इतनी जरूरत नहीं कि उन्हें रोक सके सिवाय महारानी के। लेकिन महारानी की हालत इतनी नाजुक है कि नर्तकी के सर पर मंडराती हुई मौत का जिक्र अभी उनसे किया नहीं जा सकता। नृत्य को जरिया बनाकर इस खतरनाक षड्यंत्र के विषाद ताराने बिछाइए। वो एक बार से दो शिकार करना चाहती है, महारानी कलावती की सदमे से मौत और खुद के लिए चुनारगढ़ की महारानी की पदवी। इरा, तीसरा पहर बीतने को है और अभी तक तांत्रिक बाबा नहीं आए। समझ में नहीं आता कि हम सभ्या के लिए क्या करें, और वो है कि पत्थर की मूरत बनी हुई है। Thank you.
मीरा, इला, हम सभ्या को लेकर बहुत चिंतित हो रहे हैं। महारानी जी, अब तो आपकी चिंता दूर हो जानी चाहिए। हाँ महारानी जी, आपके हुक्म के मुताबिक सारे देश को छानकर हमने ऐसे तांत्रिक बापा को ढूंढ निकाला है जो आते ही आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगे। महारानी की जय हो। कोई तांत्रिक बाबा आए हैं, नाम बताते हैं। त्रंबक बाबा आ गए। तांत्रिक बाबा, इरा, इला, हमारे साथ चलो, उन्हें फौरन सभ्या के पास ले चलना है। हमारे लिए सभ्या की जान बहुत कीमती है। बाबा, हम आपके जरिए सभ्या के पास उम्मीद लेकर जा रहे हैं। ये उम्मीद उसके लिए संजीवनी बन जाएगी। महारानी, सभ्या की सेहत के लिए तांत्रिक विधि के अनुसार एक पक्षी की बलि तो चढ़ानी ही होगी। बाबा, क्या बलि और खून खराबे के अलावा उपचार का और कोई रास्ता नहीं है? सुरक्षा बेकार हो गई। शनि सभ्या के कक्ष के दरवाजे तक पहुंच गया। पहुंच गया? इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तो सुल्ताना की अक्ल की करामात है। शनि सुल्ताना के बताए पोशीदा रास्ते से पहुंच गया, कमन से दीवारें पार करके और उस खुफिया खिड़की से निकलकर। तारा, अब तक तो वो सभ्या के कक्ष में दाखिल भी हो गया होगा। तारा, मैंने कहा था ना, शनि अपने काम में कामयाबी हासिल करके ही रहेगा। सभ्या, सभ्या, सारी सुरक्षा ध्वस्त पड़ी है। सभ्या जरूर किसी खतरे का शिकार बनी है। अब क्या होगा? इरा, इला, फौरन पंडित जगन्नाथ को खबर करो, सभ्या कक्ष में नहीं है। जी हो गया तारा, हो गया, हो गया। क्या हो गया? सभ्या का काम तमाम हो गया। मुबारक हो तारा, शनि ने अपनी शर्त पूरी कर दी, सभ्या खत्म हो गई। तारा, सभ्या खत्म हो गई। Thank you.
तांत्रिक बाबा, आप कुछ कीजिए, हमारी सभ्या को बचा लीजिए, हमारी सभ्या को बचा लीजिए बाबा। ओम क्रिंग क्रिंग हूं हूं हिंग हिंग दक्षिण गलिगे क्रिंग क्रिंग क्रिंग। बाबा आपकी भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही, आप कुछ कीजिए ना बाबा। महारानी, आपकी सभ्या जहां भी होगी, तंत्र का ये मंत्र उसकी रक्षा करेगा। संकट मोचन संकट निवारक, संभवम स्वाहा, संभवम स्वाहा, संभवम स्वाहा। सभ्या, तुम ठीक हो गई? सभ्या, तुम्हारी शक्ति वापस आ गई? सभ्या, ये है तंगेश करिश्मा है सभ्या। हाँ पंडित जी, मौत की जद्दोजहद में मेरे पिछले में जान भूल गई है। मौत की जद्दोजहद में